देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग, अर्चना जी आप जानती है हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं। हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय जी, हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10x10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकेंड हैंड कार का टूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी, हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, एक्चुअली फटाफट निकालना है, सही टाइम, एक सेकंड देरी कर दो नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, ये बड़ा काम खराब होता है। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे हैं, साथ में शो करने गए, तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे, इंडियन डांस होता था जी, फिल्मी गानों के ऊपर, तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1,000 उन्होंने डॉलर में दे दी, $1,200 था, तो वो लड़की आई नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया, मैं खैर अप्रिशिएट करें कलाकार हैं वो, है ना, तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय, 10-12 साल पहले की बात है। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो, कहते अभी आएगी मैं भी करूंगा, वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। तो एक कपल पैसे की कीमत होनी चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जानते ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना, ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हैं, हाँ सारे स्टार्टअप हमारे खानदान से, ऐसी ऐसी चीजें, हमारे हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं, अच्छा उनसे मांग लो तुम कुछ वो दे दे, मैं मान जाऊं, उस रात पैदा नहीं, भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए, इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं, उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी, बोले ये लेके जा। क्या करेगा, ओहो तो ये अभी शुरुआत है, और बढ़िया, यहाँ पे आज भर भर के टैलेंट आने वाला है, मैं देश के जाने माने दूसरे कवियों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पॉपुलर मेरठी, मिस्टर संजय झाला और मुमताज नसीम जी। नमस्कार, हाय, नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, क्या बात है, आइए 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 सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए, आइए शैलेश भाई, मुमताज जी आइए। पॉपुलर भाई कहाँ बैठना चाह रहे हैं आप, बस जहाँ आप बिठा दें, अच्छा तो फिर जहाँ मुमताज भाई बैठ जाओ, आप बैठिए इधर ही, मैं इधर ही बैठने वाला हूँ जी, प्लीज प्लीज, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मजा आने वाला आज। अच्छा आप सब ने बड़े बड़े शोज किए हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लुटी हैं, बड़े से बड़े मंच पे गए हैं, आज आप हमारे शो पे आ गए हैं, और कोई अंतिम इच्छा? पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे मंच पे देख के, बहुत अच्छा लग, तो चलिए फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। मुमताज जी ऐसा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं और इतनी खूबसूरत भी हैं आप, जब ऑडियंस में से वाह वाह होता है तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये मेरी खूबसूरती के लिए कहा गया है या मेरे शेर के लिए? मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही है। अच्छा जी, इतना ही जवाब देती हैं आप नॉर्मली भी अगर कोई पूछे आपसे? मुझे तो लगता है जब ये कहते होंगे ना अर्ज किया है तो लोग फर्ज भी कर लेते होंगे, वाह इन्होंने अर्ज किया है, अब हमारा फर्ज है कि बस ये अर्ज होता रहे। पॉपुलर मेरठी साहब बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जी, नमस्कार, नमस्कार, और सर आपने अपने नाम में ही पॉपुलर लगा रखा है, आज हमारे आप शो पे आए हैं, इसके बाद डबल एक्सेल पॉपुलर हो जाएंगे। सर नाम में पॉपुलर आपने पहले से लगा रखा था या पॉपुलर होने के बाद लगाया? नहीं असल में क्या बताएं कपिल भाई, मैं रेडियो से जुड़ा हुआ था। अच्छा जी, तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते थे
तो उस वक्त लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, रेडियो से प्रोग्राम आते हैं। अच्छा जी। तो फिर मेरा तखल्लुस तो कुछ और ही था। अच्छा जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो क्यों ना पॉपुलर रख लिया जाए। बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं ना उनके अजीब अजीब तखल्लुस होते हैं, कोई झंडट रख लेता कुछ कुछ रख लेता, तो मैंने फिर पॉपुलर रखा और ये बड़ा पसंद भी किया गया। नहीं बिल्कुल। नाम इनका है सैयद एजाजुद्दीन शाह। जी 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 जी। बहुत लंबा नाम है। साइंटिस्ट लगते हैं आप। ऐसा लगता है वैक्सीन इन्होंने ही निकाली है। बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत जब कपिल भाई आपका तो जलवा है सब जगह पूरे दुनिया में। अरे सर, और आशीर्वाद है आपका। सब लोग बड़ा देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो पवन भाई इतना अफसोस से क्यों कह रहे हैं आप ऐसे कर रहे थे शिकायत, तुम्हारा बड़ा जलवा है सब लोग देखते हैं, मतलब ऐसा इतना इतना दुखी होके क्यों कह रहे हैं? अर्चना जी की खूबसूरती के भी चर्चे सब जगह है। मेरी चार पंक्तियां सुन लीजिए। मैं समझ गया, देहरादून पास पड़ता ना मेरठ वालों को, सीधे ही हो गए पॉपुलर। अच्छा जी देखिए, माफ कीजिएगा, चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था। हाँ। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्या बात है सर। इससे तो जाहिर हो ही जाता है इनकी उम्र देखो अर्चना जी आप जी। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए सीटी मारना छोड़ ही नहीं सकता सर। मैं संजय भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये अपने जब सम्मेलन होते हैं ना उसमें खुद का स्वागत और खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं। ये मेरे जैसे ही है, आपको सामने वाले भी यकीन नहीं होता। बिल्कुल यकीन नहीं होता, तारीफ की जगह और कुछ कर दे तो। और यकीन इसलिए नहीं होता कि संजय को एक व्यक्ति ने पूछा एक दिन कि आप कवि हो, प्रोग्राम के बाद पूछा। ये अच्छा रहा। तो इसलिए इसने सोचा खुद ही शुरू कर दो बस आज से। शैलेश भाई, मैंने सुना भाभी जी भी लिखती हैं। जी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आपकी जब शादी हुई तो कुंडलियां मिलाई गई, कविताएं मिलाई गई, काफियां मिलाई गई, तो कैसे? देखिए वो उसकी किताब मुझसे पहले आई थी। अच्छा जी। कविता की जब वो 12th क्लास में थी, सुरभि नाम से। अच्छा जी। और वो तो खैर मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं और मैनेजमेंट पे लिखती है। लेकिन उसके बाद पहली बार जब शादी के बाद पहले तो कविताएं नहीं मिलाई गई, लेकिन बाद में कविताएं मिलाई गई। अच्छा जी। हिंदी साहित्य में एक अनूठा प्रयोग हुआ, उनकी और मेरी दोनों की कविताओं की एक किताब साथ में आई, एक बात तेरी एक बात मेरी। अच्छा जी। वो 40 कविताएं थी, समान शीर्षक थे, एक पेज पे उनका अंदाज, एक पेज पे मेरा अंदाज। ये बुक में ही ऐसा हो सकता है कि एक बात वो कहें एक बात आप कहें। जी जी। अदरवाइज तो वही कहती होगी। वही वही कहती। इसके सिवाय तो कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ सुनना है हमें। हाँ। लेकिन वहां तो किताब में तो लिखने का काम था तो लिख दिया। कभी ऐसा हुआ शैलेश भाई आपने कोई कविता लिखी हो और भाभी ने पढ़ ली हो और आपको कहना पड़ गया हो कि आप ही के लिए लिखी है, लिखी आपने किसी और के लिए? देखिए कवि मूलतः पुरुष होता है जी, तो उसे पता होता है कौन सी कविता किस जगह छोड़नी है। हाँ। तो लिखी तो थी लेकिन वहाँ छूटी नहीं। जैसे आप दोनों ही लिखते हो जी, तो बच्चों को पढ़ाते भी हो कि उनको भी लिखाते ही हो आप? मेरी जो बिटिया है उसकी किताब 18 साल की उम्र में उसने और उसकी मदर ने मिलकर एक किताब लिखी। बिटिया 18 साल की हो गई? वो 21 की हो गई है। वाओ। आप कितने के हैं? अब देखो उम्र तो मैं क्या बताऊं तुम्हें कपिल। क्यों आप महिला है? मैं महिला तो नहीं हूं। अगर मैं उम्र बताऊंगा तो महिलाओं को पता चल जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा। मुमताज जी आपके चक्कर में तो कई शायर बने होंगे, I'm sure. आप किस चक्कर में शायर बन गई आप? किसी ना किसी चक्कर में तो बनी थी। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ पर साइकिल से जाते थे पहले, आप जानते हैं कि सारे बच्चे आमतौर से साइकिल से ही जाते थे। तो जब मैं जाती थी तो एक बंदा आता था और बस हमारा इतना सा टकराव होता था, वो आगे चला जाता था, मैं आगे चली जाती थी, ना मैंने उससे कभी कुछ कहा ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा। ओहो। और वो शायरी में शायद कुछ कभी रास्ते में साइकिल भी पंक्चर नहीं हुआ दोनों में से एक का? कभी नहीं, बस शायरी होती गई और वो नहीं मिला कभी। ओए होए। कितना दर्द है मतलब इस कहानी में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।